इतना प्यारा सरप्राइज मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया है ऑनेस्टली. मतलब ऑनलाइन तो मुझे कभी किसी ने, मतलब यूट्यूब पे मेरा एकदम शायद पहली बार मैंने. थैंक यू सो मच, ये बहुत ही यूनिक. तो गाइस गैसो साहब, आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे. और ये वीडियो बनाने के पीछे दो रीज़न है. ये तो बहुत ज़्यादा वेल आया कि मेरे पास में वीडियो बनाने को कुछ था नहीं, तो मैं सोचा कि चलो चल के तुम लोगों का टाइम वेस्टिंग थोड़ा कर दूँ. ठीक है. और दूसरा क्या है कि तुम लोगों को जो इतने अच्छे कमेंट मिल रहे थे मुझे, जो आप लोग के रिसेंट वीडियो में जो आप लोगों ने किए थे कि भाई पायल से शादी कर लो, पायल को प्रपोज कर लो, सेम वेड्स पायल, सेम लव्स पायल, सेम फॉल इन लव वगैरह, ऐसे ऐसे जो कमेंट थे, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे. और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये वीडियो आखिर क्यों बना गया था. लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताना कि टाइटल पढ़ के यहाँ पे कितने लोगों की दिल की धड़कने बढ़ी, वो बंदे पहले ही कमेंट कर देना. अच्छा, हमको सिखा रहा है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीडियो के बारे में कि वो वीडियो का प्लान आखिर कहाँ से आया और वो वीडियो मैंने क्यों बनाया. अब जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग सुपर चैट प्रैंक करते हैं छोटे मोटे स्ट्रीमर्स के साथ में, काफी सारे बड़े यूट्यूबर्स भी होते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ टास्क देते रहते हैं, उनको नाचने या गाने के लिए बोलते रहते हैं, तो ऐसे ही हमारे सुपर चैट प्रैंक होते हैं. लेकिन इन सब के बाद में काफी सारे मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी ऑडियंस को कुछ नया दिखाना चाहिए, कुछ ऐसा कंटेंट देना चाहिए जिससे हम लोग थोड़ा स्विच कर सकें. मतलब कि हमको सिर्फ सुपर चैट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, हमको कुछ और नई चीज़ें भी करनी है. तो उस वजह से मैंने सोचा कि यार चलो कुछ ऐसा करते हैं जिससे कोई यूट्यूबर हो या फिर कोई रैंडम बंदा हो, कोई सब्सक्राइबर जैसे हुआ, उसको सरप्राइज कर सके. ऐसे दिमाग में आ रहा था कि चलो यार कुछ ड्राइंग वगैरह ट्राई करते हैं. और उसी टाइम पे फिर मोचा सर का वीडियो आ गया. तो अब उसमें मेरी तो गलती नहीं है ना कि मोचा सर का वीडियो आ गया, तो अगर मैं कोई चीज़ प्लान कर रहा था तो मैं वो चीज़ नहीं डालूंगा. अब अगर मैंने उनके बाद में डाला और आप लोग कह रहे हो कि मैंने उनका कॉपी किया है, तो मेरे लिए तो देखो वैसे तो अच्छी बात है कि आप मुझे मोचा के साथ में साइड में रख के कंपेयर कर रहे हो, तो भाई मेरे लिए तो प्राउड फील हो रहा है मेरे को तो. लेकिन अगर सर ने पहले वीडियो बना दिया और मैंने उसके बाद में वीडियो बनाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उनका कॉपी किया है. मतलब कि आप जैसे देखो कि जाटरंजन ने आईविंग चैलेंज का वीडियो बनाया था, और उस दिन जब उनका वीडियो पब्लिक हुआ था उसी मॉर्निंग में मैं सोचा था कि यार अपना अगला वीडियो जो है आईविंग चैलेंज का रखते हैं थोड़ा सा. पर मैं दोपहर को जब देखता हूँ तो देखा कि यार जाटरंजन ने ऑलरेडी आईविंग चैलेंज का वीडियो अपलोड कर दिया है और अब मैं ये कंटेंट नहीं बना सकता है, क्योंकि अब पब्लिक आके मुझे बोलेगी कि भाई आपने जाटरंजन का कॉपी किया है. अब सोचो मैंने तो ये आइडिया ड्रॉप कर दिया है, लेकिन अब मैं नहीं तो मोचा सर या फिर काइजर, इनमें से कोई अगर वीडियो बना दे दैट आईविंग चैलेंज के ऊपर, तो तुम लोग तो जाकर उनके वीडियो पर जाके कमेंट करोगे कि भाई तुमने जाटरंजन का कॉपी किया है. मतलब अगर कोई बंदा बाद में किसी कंटेंट को आप लोगों के सामने लेके आ रहा है, तो आप लोग क्यों ऐसा कंपेयर करते हो कि भाई अगले ने उसका कॉपी ही किया होगा. शायद आपके दिमाग में जो आइडियाज़ आते हैं वो किसी और के दिमाग में भी आ सकते हैं. और अच्छी बात है कि अगर किसी को देख के किया जा रहा है तो किसी को फॉलो करना कुछ गलत तो नहीं है. वैसे हम लोगों ने नहीं किया, पर अगर तुम लोग कंपेयर कर रहे हो तो मैं तो खुश हूँ इस चीज़ से बहुत ज़्यादा, मुझे किसी चीज़ की जलन नहीं है. अब इस तरीके से रैंडमली प्लान करके ये वीडियो तैयार हुआ. हम लोग डिस्कॉर्ड पर बैठे बातें कर रहे थे, एक स्क्रिप्ट रेडी किया और फिर ये वीडियो जो है आप लोगों के सामने आ गया. अब आप लोगों ने इस पे इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए कि मैं अगर सुनाने को बैठूंगा तो शाम हो जाएगी. और कमेंट में सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है, दैट सेम वेड्स पायल सेम लव्स पायल. मतलब कि ये चीज़ जो है इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है. वीडियो में कुछ ऐसा माहौल बनाया गया कि जिसको आप देखो और बस खुश हो जाओ. और क्योंकि ड्राइंग बनानी जा रही थी, तो मुझे लगा कि बैकग्राउंड में सॉन्ग भी ऐसा लगाते हैं जैसे वो वाला जो मैंने ट्राई किया था, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, जो कि टू मच हो गया. मुझे नहीं पता था इतना ज़्यादा डीप मीनिंग हो जाएगा. अब ऐसे में कोई बंदी उस पर क्यों रिएक्ट करेगी, क्योंकि आप लोगों ने उस वीडियो का मीनिंग ही बदल दिया. आप लोगों के जो कमेंट थे ना, वो बहुत ही हाई लेवल के कमेंट थे. अब इसमें गलती आप लोगों की भी नहीं है, क्योंकि जब वो वीडियो रेडी हो रहा था तो मुझे लगा कि शायद इस वीडियो में अभी कोई कमी है, तो वो कमी मैंने अपनी दो शायरी से पूरी कर दी. जिसके बाद में उस वीडियो का माहौल ही कुछ ऐसा बन गया कि आप लोगों के ऐसा कमेंट करना जायज़ था. और शायद आप लोगों को पता नहीं हुआ कि ऐसा सब कुछ होने के बाद में भी पायल ने अपना रिएक्शन दिया. मतलब कि उनका रिएक्शन हमको मिला है, आप लोग जाकर देख सकते हो, वीडियो में उनका कमेंट भी है और सामने उन्होंने लाइव स्ट्रीम में मतलब कि वो वीडियो प्ले किया था और बाकायदा पूरे वीडियो पर उन्होंने अपना रिएक्शन दिया था. और ऐसा शायद उन्होंने इससे पहले मुझे नहीं लगता कि किसी वीडियो पे किया होगा. तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हम लोगों ने कोई चीज़ दिल से बनाई, उस बंदी ने उसको मतलब उसको लगा कि यार बहुत अच्छा वीडियो है और मुझे इस पर रिएक्ट करना चाहिए, उन्होंने लाइव स्ट्रीम में सब पब्लिक के सामने उस पर रिएक्ट किया. मतलब कि हम लोगों को तो इस चीज़ से खुश हो जाना चाहिए ना कि यार हम लोगों की जो मेहनत थी वो बेकार नहीं गई. और ये हम किसी लालच से थोड़ी करते कि अगला कोई रिएक्ट करेगा तो हमारा उसमें कुछ फ़ायदा होगा. मतलब कि हमको बस तुम लोगों को खुश करना है, तुम लोगों को हैप्पी देखना है, और उसके लिए हम ऐसे ऐसे नए नए कंटेंट ट्राई करते हैं और तुम लोग खुश भी होते हो, तुम लोग वीडियो पसंद करते हो, और वो उसके लाइक रेशो से उसके कमेंट से पता लग जाता है. और अगर मैं लाइव आ जाता ना, तो ये बात मैं तुम लोगों की टांग खींच खींच के बताता. अब क्योंकि मेरे पास में सेटअप नहीं है, ना ही अपने पास इतना अभी बजट है,
और सुपर चैट प्रैंक वीडियो भी नहीं आ पा रही है, वो थोड़ा सा बजट प्रॉब्लम अभी चल रहा है। मतलब आप लोगों को मैंने रीज़न भी बताया, अपने सेकंड चैनल पे मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया कि भाई किस वजह से मैं फेस्टिवल नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या रीज़न है कि मेरा रेगुलर वीडियोज़ नहीं आ पा रहा है। आप लोगों को शायद एक हफ्ते में जाके एक वीडियो मिल रहा है, तो वो सारी डिटेल मैंने आपको वहाँ पर शेयर की है, आप लोग जाकर वो वीडियो देख सकते हो। और पायल ने जो रिएक्ट किया था वो उसका छोटा सा शॉर्ट क्लिप मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। बाकी अगर आपको पूरा रिएक्शन वीडियो देखना है जो उन्होंने 9 या 10 मिनट का दिया था, वो आप लोग जाके सेकंड चैनल पर देखना, और चाहो तो शेयर भी जरूर करना क्योंकि रिएक्शन ही बहुत प्यारा है। पता है इसका एक और फ़ायदा है, मतलब कि तुम लोग अभी सेकंड चैनल पर जाओगे, वहाँ पर जाके पायल का रिएक्शन देखोगे, मेरा वॉच टाइम थोड़ा कंप्लीट होगा, जल्दी चैनल मोनेटाइज होगा। इसलिए जाओ और उधर जाके वीडियो देखो। पता है हराम ही हो बेटा। Thank you so much, Sam. Thank you so much. Means a lot. दिल खुश कर दिया आपने मेरा। मैं बहुत दिनों बाद, मतलब मैंने इतने दिन स्ट्रीम नहीं की तो मैं बहुत दिनों बाद देख रही हूँ ये। बस रख लो रख लो। दिल दिल। Thank you, Sam. Thank you. Thank you so much. अब देखो कितना अच्छा रिएक्शन था, और आप लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं उन कमेंट्स में कोई सच्चाई नहीं है। मतलब कि इस बंदी ने इतना सब कुछ होने के बाद में भी रिएक्शन दिया, तो हम लोग कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो मायने रखते हैं कि हमारी इमेज कहीं ना कहीं पे अच्छी है। भाई तुम लोग इतनी सही इमेज को क्यों बिगाड़ने में लगे हुए हो यार। और अपनी इमेज तक तो ठीक है, लेकिन हमारी वजह से किसी बंदी की इमेज खराब हो वो बहुत ज़्यादा गलत है। बाकी मैं तुम सबको बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से फेस्टिवल करूँ, फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे और जो प्रॉब्लम्स है जो अभी चल रही हैं ये बस थोड़ी सी दूर हो जाएँ। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए इंटरेस्टिंग कुछ टास्क के साथ में, कुछ और नया यूनिक लेके, मतलब कुछ हटके लेके। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कर लो यार, बस इतना वेट किया है तो थोड़ा सा और वेट कर लो, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियो बनाने के लिए। शायद मेरी प्रॉब्लम आप लोग समझने का कोशिश करोगे, रीज़न मैंने आपको बता ही दिया है। सेकंड चैनल पे जाके वीडियो देख लेना, जितनी भी है सारी देख लेना, आप लोगों को पता लग जाएगा कि मैं क्यों नहीं वीडियो बना पा रहा हूं। तो बस इतना ही है, बस आप लोगों की थोड़ी टांग खींचने के लिए मैंने वीडियो बना दिया। बाकी कुछ ऐसा सोचो मत दिमाग में, और टाइटल जाने दो उसको, ठीक है। चलो तो आप लोग अब जाओ और जाके वीडियो देखो, ठीक है।